सो आज है मंडे और बहुत ज्यादा सो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील जी सो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि एनर्जेटिक सो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक सो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक गुहाओ सो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ मैं। पता नहीं कैमरे में जब भी मैं बोलती हूँ ना, मेरे से कभी भी इंग्लिश नहीं बोली जाती। मेरी जुबान ने बताना है लोगों को कि मैं कितनी ज्यादा नालायक हूँ। जो का पाठ। सो अभी मैं उठी हूँ, अभी नहीं उठी वैसे, मैं आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं 7:40 पर उठ गई थी और मेरे सर का फोन आया, हेलो क्या आप हमको काम, एक मिनट खड़ी हो जाए, हेलो हेलो क्या आप हमको काम करके भेज सकते हैं। मैंने बोला हाँ जी सर भेज दो, कर देती हूँ। मैं उठी हुई थी तो मैंने बोला चलो कर देती हूँ। अगर वो बोलता मेरी नींद को खराब करके मेरे को बोलता काम करे, अम्मा पानी कर दे ना भी ना, तो नहीं मैं करती। लेकिन उसने, मेरी नींद खुली हुई थी तो 4 मिनट बाद उसका फोन आ गया। मैं प्रेयर कर रही थी तो फिर उसका फोन आ गया। फिर मैंने उसको बोला हाँ जी, मैंने उसको बोला काम कर दो, फिर मैं चलो दे दो कर देती हूँ। फिर मैंने करके दे दिया। अब बोल रहा था और दूंगा, पर मेरे को नहीं लगता देगा। 9 बज गए हैं, मेरे को ऑफिस जाना है और मैं बनाऊंगी ऑरेंज की जेली घर आके बनाऊंगी। कल मैं मम्मी को से ऑरेंज मंगवा लिए थे और मैंने 3 अपने छिपा के रख दिए, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे ना तो मेरे घर वाले छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैंने छुपा लिए थोड़े, क्योंकि यार घर में चीज पड़ी है तो बंदा खाएगा ही ना, तो उससे मेरे को कोई नहीं है। पर चलो, और मैंने क्रीम भी नहीं लगाई, फेस वॉश करके आई थी मैं। और कल मैं नहाई थी और मेरे मुंह को देख के कोई कह नहीं सकता कि मैं कल नहाई हूँ, इसलिए मेरा नहाने का दिल नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अब नहा लिया, बड़ा अच्छा पानी था गरम गरम और धूप भी अच्छी निकली हुई थी तो मैं नहा ली। वैसे भी मैं नहाती हूँ, तो अभी मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाऊंगी। देखो सर है ऑफिस में या नहीं, मेरे तीर सिर खाएगा बैठ के। और घर आके मैं आपको जेली दिखाऊंगी, मैंने यूट्यूब की वीडियो में देखी थी जेली, उसकी छोटी सी क्लिप मैं डाल दूंगी, क्योंकि फिर मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ सकता है अगर ऐसे किसी की वीडियो प्री वीडियो में डालो तो। अभी मेरे को परोंठे की खुशबू आ रही है, और हाँ खुशबू से याद आया, मेरे को ना खुशबू आने लगी साइनेरियस की प्रॉब्लम के कारण। मेरे को ना खुशबू नहीं आती थी, काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल 1 साल हो गया होगा, मेरे को खुशबू नहीं आती थी। बीच में खुशबू बंद होगी आने शुरू होगी सी 10-15 मिनट, 10-15 दिन के लिए आई थी। तो फिर अभी मैं प्रेयर कर रही हूँ, मैं कोई दवाई नहीं खा रही साइनेरियस की, पहले वो बहुत दवाइयाँ खा रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा था उससे। सो फिर मैंने छोड़ा, छोड़ो यार प्रभु से करते हैं, तो फिर मैंने गॉड से प्रे की। अभी मैं वो प्रे ही कंटिन्यू कर रही हूँ तो उससे अभी मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, थैंक्स टू लॉर्ड। क्योंकि अगर जैसे मैं एक दिन भी फेस कवर करके ना जाऊं और धूल का कण मेरे नाक में घुस के डांस करे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मेरे को, इतना ज्यादा कोल्ड रोहिणी नोज हो जाता है मेरा, मेरे से बोलना नहीं जाता, ऐसे रब कर करके इचिंग है, पता नहीं क्या कुछ बहुत ज्यादा गंदा वाला होता है मेरे साथ, तो वो नहीं है। मेरे ख्याल से 3 मंथ हो गए, आराम से हो गएंगे, दिसंबर का तो मुझे याद है, पूरे दिसंबर में नहीं हुआ, जनवरी का निकल गया, 2 महीने तो मेरे को पूरे पूरे याद है उसका, एक एक आधा महीना और लगा लो तुम तो, 3 साढ़े 3 महीने हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ। थैंक यू टू लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को बड़ा सा ना अच्छा फील होता है कि मतलब मैं ठीक हो गई हूँ। सो अभी मेरे को खुशबू भी आने लगी है, तो मेरे पास ना एक परफ्यूम था, दिखाती हूँ ना, टेस्टर है शायद, टेस्टर की है, तो मैं अभी इसकी, यार ये क्यों क्यों, वो सीमा ने दिया था जिसके घर में गई थी, उसको उसके किसी फ्रेंड ने दिया था, तो उसके घर में पड़े थे ऐसे 3-4, तो ये शायद टेस्टर है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि फुल साइज तो ये नहीं है, या फिर ये पॉकेट वाला होगा, मेरे को नहीं पता सच्ची में। सो ये बने हुए हैं रोजेस, और अभी मैं आपको ये बताऊंगी इसकी खुशबू कैसी है। मैंने अभी स्मेल किया, वैसे देखो अभी है या नहीं, बड़ी अच्छी खुशबू है यार, बहुत ज्यादा ना ऐसे नाक को ऐसे करने वाली नहीं है,
बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत कम फ्रेग्रेंस है ऐसे, हाँ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, लाइक नाक को ऐसे कुत्ते की तरह पकड़ने वाली नहीं है या गंदी। मेरे को वैसे परफ्यूम बहुत ज्यादा घटिया लगते हैं, बहुत ज्यादा गंदे। मेरे को बॉडी मिस्ट वगैरह सही लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा है कह सकते हैं। लाइक इसकी ज्यादा फ्रेग्रेंस गंद ऐसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो मेरे को बड़ी ऐसे स्मेल करके बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रोजेस के गार्डन में आके बैठ गई हूँ मैं, जैसे पार्क में आती है ना रोज वाले पार्क में, वैसी वाली खुशबू, वैसे बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है। सो अभी मैं खाना खाऊंगी, मेरे को बहुत भूख लगी है और 9 बज गए हैं, वो ही टाइम हो गया। 9 बजे मैं उठती हूँ, 9 बजे फिर जॉब के लिए जाती हूँ, आज फिर लेट जाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 9:30 निकल जाऊं ताकि टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं रोज लेट जाती हूँ, रोज 10 बजे का टाइम है, 10:30 पहुंचती हूँ मैं। बहुत ही शुक्र है उन्होंने अभी तक मेरे को जुतियां मार के बाहर नहीं निकाला। तो चलो अभी मैं खाना खा लूँ और तैयार हो जाऊँ। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी मेरी जीमेल की आईडी पासवर्ड पता नहीं कैसे लग ही नहीं रहा, सभी तरफ से वो लॉग आउट हो गई है, मेरे फोन में चल रही है बस, लेकिन यूट्यूब नहीं चल रहा, प्ले स्टोर नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, और उसका पासवर्ड भी चेंज नहीं हो रहा, और उससे ही मेरा कनेक्ट है यूट्यूब, और तभी 2 दिन से आज की वीडियो भी नहीं अपलोड हो रही। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने अटेम्प्ट कर चुकी हूँ लेकिन कोड आ भी रहे हैं, फिर भी गूगल मेरे को दे ही नहीं रही फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए। मेरे को बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, मैंने अपने दोस्त को भी बोला कि तू करके देख, लेकिन उससे भी नहीं हो रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं घर आ गई हूँ और मैं कैफे भी गई थी अपना मेल का पंगा जो पड़ा हुआ उसको ठीक करवाने के लिए, और कोई भी वीडियो भी नहीं अपलोड होएगी क्योंकि उसके साथ ही मेरा कनेक्ट है हमारा यूट्यूब। सो मैं व्लॉग तो कंटिन्यू करूंगी, अब कब अपलोड होंगे ये मेरे को नहीं पता। सो आज जैन 31 जैन है, कल फेब स्टार्ट हो जाएगा मेरा बर्थडे मंथ। सो मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बट मैं प्रेयर करूंगी जल्दी जल्दी से ये सोल्व हो जाए मैटर, और पता नहीं क्या होगा। और मम्मी ने आलू के परौंठे बनाए हैं यार, आलू के परौंठे तब भी नहीं मैं खा पाई थी सीमा के घर क्योंकि मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन अब मैं जम के आलू के परौंठे खाऊंगी, और मैं वैसे वो भी हो जाऊं, कपड़े भी चेंज कर लूं क्योंकि मैंने आपके कपड़े भी नहीं चेंज किए, मेरे को वही टेंशन पड़ी हुई है। और मैंने 5-10 बार अटेम्प्ट कर दिया फॉरगेट पासवर्ड, तो गूगल वालों ने ब्लॉक कर दिया, मेरे को नहीं पता क्या ट्रेजेडी हो रही है मेरे साथ, किस जन्म के बदले लिए हो रही है, बट कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक यार। अगर नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो किसी हैकर का पता करना पड़ेगा, वही हैक कर पाएगा मेरी जीमेल। तो देखो अभी कुछ नहीं पता, पता नहीं कब वीडियो आएगी, कब क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा तो आज जेली बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, जैसे मैंने आपको बताया था मैं जेली बनाऊंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। और पता आपको मेरे ना ऑफिस के बाहर ना आज एक एक्सीडेंट हो गया, एक मतलब ओल्ड अंकल थे हमारे ना ऑफिस के बाहर ना एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे ना, तो ना बुलेट बुलेट में एक लड़का था पता नहीं कैसे, और वो जो अंकल थे वो पैदल आ रहा था, तो बुलेट उसने उसके बीच मारा और उसके अंकल के पैर से ब्लड, नोज से ब्लड, यहाँ से भी ब्लड निकल रहा था, और देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थोड़ी सी, तो ऐसे हो गया था। तो यार थोड़ा अच्छे से चलाया करो, बेचारों को मत मारा करो। और यार किस्मत है ना जो बड़ी जल्दी पलटती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, मैं बेसिकली मेरा काम क्या है ग्राफिक डिज़ाइनर का, डिज़ाइनिंग का, तो मेरे को फोटोशॉप ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। तो मेरा ना एक फ्रेंड है, उसने मेरे को स्टार्टिंग में बोला था कि मैं तेरे को काम दूंगा एक्स्ट्रा, मतलब पार्ट टाइम, तो तू करेगी? तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगी। उसको मेरा काम पसंद आया और उसने मेरे को काम देना शुरू कर दिया, बट वो चार्जेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था मेरे से कि मैं करूँगा है ना, चार्जेस कितने होंगे कुछ भी उसने बात नहीं की। फिर एक दिन उसने चार्जेस की बात की लेकिन क्लियरली नहीं की, ऐसे बोल रहा था मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा, हंसी में लेके जा रहा था।
तो मैंने फिर उसका काम करना बंद कर दिया। मैंने बोला पहले चार्जेस की क्लियर बात करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। फिर उसने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मतलब जितनी भी मैंने उसकी पोस्ट बनाई थी, 10 से 12 या 15 जितनी भी, तो लाइक मैंने उसका कोई पे नहीं किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की, ना उसने मेरे को पैसे दिए और ना मैंने उससे फिर मांगे। क्योंकि अगर सामने वाला बंदा ही थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो छोड़ दो, जाने दो, पैसा जाता है तो। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखो, मैंने भी रखा। मेरे को यही था कि मतलब बहुत अच्छा होगा मेरे साथ, और आज हो रहा है। वो लड़का मेरे को काम देता था और आज मैंने उसको मैसेज किया कि यार मेरे तू मेरे लिए काम करेगा। सो आज की डेट में मेरे पास इतना काम है कि मैं उसको दे रही हूँ कि तू करेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि टाइम चेंज होता है बहुत जल्दी बंदे का। सो खुद पे भरोसा रखना चाहिए, और मेरे को ना भरोसा था। मैंने उसको दोबारा भी मैसेज किया, मैंने बोला कि कोई काम है तो मेरे को बताना। पिछली जो बात हुई मैंने उसको लेट इट भी किया कि चल तूने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इन फ्यूचर कोई काम होगा तो बताना। और उस बंदे ने मेरा रिप्लाई तक नहीं किया, सीन करके छोड़ रहा था वो बंदा। मैंने यही बोला था कि कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे इतना काम देंगे कि तू भी, तेरे को भी पता लगेगा। सो आज वही है, मेरे पास आज इतना काम है, थैंक्स टू लॉर्ड। मैं हमेशा थैंक यू करूँगी प्रभु का कि उन्होंने आज मेरे को इतना काम दिया कि मैं उसको काम देने वाली हूँ। तो अभी उसका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि रिप्लाई आएगा या नहीं। सो चलो देखते हो। तो मेरे को बड़ी खुशी से ऐसे हो रही है, इसलिए मैंने बोला चलो आपको भी बता दूँ। सो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, आपके आपको काम नहीं मिल रहा, या फिर कोई बंदा आपको ऐसे इग्नोर कर रहा है जिसके पास वो एबिलिटी है जो आप उससे लेना चाहते हो, तो वेट एंड वॉच करो। क्योंकि जो लॉर्ड है ना, ही हैव सो मैनी प्लान फॉर यू एंड मी। सो जस्ट बिलीव इन गॉड एंड वेट एंड वॉच, मिरेकल विल हैपन। सो स्टे ट्यून। सो अभी मेरे को पता नहीं है यार कब मेरा, पता नहीं कब मेरी आईडी ठीक होएगी, कब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, नहीं तो फिर मैं नया चैनल ओपन करूँगी, क्या ही हो सकता है फिर। और फिर उसमें देखते हैं कि क्या होता है, एक दो दिन ट्राई करूँगी, नहीं हुआ तो फिर नया चैनल खोलेंगे। मैं इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ, इतनी 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 मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं डांस करके हटी हूँ। पता क्या हुआ कल, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मेल नहीं ओपन हो रही, और मेल के साथ ही मेरा यूट्यूब कनेक्ट है। सो अगर मेल ओपन नहीं होएगी, मेल का पासवर्ड कैसे चेंज हुआ आई रियली डोंट नो। जो पासवर्ड मुझे पता था वो लग नहीं रहा था, मेरे लैपटॉप से लॉग आउट हो गई थी, मेरे ऑफिस वाले कंप्यूटर से लॉग आउट हो गई थी, मेरे फोन से लॉग आउट हो गई थी, जहां पे भी मैंने अपनी मेल खोली हुई थी ना, सभी से लॉग आउट हो गई थी। और जो पासवर्ड मैं फिल कर रही थी वो इनकरेक्ट बता रहा था। और फॉरगेट पासवर्ड के लिए जो नंबर मैंने अपडेट किया था उस नंबर पे वो कोड आता था, ठीक है तुम निकल जाओ, निकलो निकलो, वो कोड आता था, और वो कोड मैं फिल करती थी जब, तो फिर वो वेरिफिकेशन के लिए मेल में कोड एक मांग रहा था। और वो जो वेरिफिकेशन का कोड है ना, उस वेरिफिकेशन के कोड में जीमेल जो मैंने अपडेट की हुई है वो मैंने वही अपडेट करी हुई है मेरे दिमाग पागल ने। और मैं इतनी ज्यादा परेशान, इतनी ज्यादा परेशान, मैंने 10 से 15 अटेम्प्ट कर दिए कल के कल, और जो गूगल ने मेरा जो अकाउंट है वो थोड़े टाइम के लिए बैन कर दिया। तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई, मैं थोड़ा सा रोने भी लग गई थी। फिर मैंने प्रे की कि प्लीज प्रभु जी यू डी लाइक, पता नहीं क्या, मतलब मेरे को यह था कि प्रभु ही कर सकते हैं, हमारे हाथ बस भी हुआ ना तो इट्स ओके। मैं नया चैनल स्टार्ट करूंगी और मैं मतलब हार नहीं मानूंगी, करूंगी जरूर। तो क्या हुआ, आज मॉर्निंग हमारे ना जो कंप्यूटर वाले पीसी में हमने ना विंडो अपडेट करवाई थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे, कल सैटरडे मेरी छुट्टी थी, संडे मैं, सैटरडे और संडे मैं चंडीगढ़ थी, मंडे मैं जब ऑफिस आई तो ये हो गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पीसी में भी लॉग आउट हो गई थी, लेकिन आज मैंने पीसी ऑन किया। 3 मेल्स चलती हैं, 2 मेरे सर की, 1 मेरी। आप बिलीव करोगे, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेल ओपन है, जबकि पासवर्ड चेंज होने के बाद मेल सभी डिवाइसेस से मेरी लॉग आउट होगी। लेकिन लाइक मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इस वाले पीसी में कैसे ऑन हुई।
आई रियली डोंट नो। और कल इसमें नहीं थी मैं पूरी श्योर हूँ, क्योंकि मैं कल यूट्यूब देख रही थी इसमें सॉन्ग्स के लिए, तो वो बोल रहा था कि साइन इन करो। आज कैसे खुल गई मेरी मेल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने फॉरगेट पासवर्ड किया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच लॉर्ड। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरा यार चैनल उसके साथ था। तो अभी मैं सिक्योरिटी भी चेंज करूंगी, मेल कोई और डालूंगी। आई एम सो हैप्पी यार। सो कभी भी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बिलीव इन गॉड। और बस मैंने रात को भी शायद यही बोला था कि मैं गॉड पर बिलीव करती हूँ और वो पक्का कुछ ना कुछ करेंगे, और देखो आज हो गया। आई एम सो हैप्पी यार, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मैं इतना डांस करके उठी थी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा खुशी आज हम। और फिर आज का ब्लॉग मैं यही एंड करूंगी। अब नेक्स्ट डे का स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम जेली भी बनाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था जेली बनाएंगे, आज ट्यूसडे है। सो थैंक यू सो मच लॉर्ड, लव यू।